महाराष्ट्र के नांदेड से नव निर्वाचित कांग्रेस सांसद वसंत राव चव्हाण का सोमवार को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। 69 वर्षीय चव्हाण ने आज सोमवार सुबह करीब 4 बजे अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले सप्ताह से उनका किडनी संबंधी समस्या का इलाज चल रहा था। उनके निधन से कांग्रेसी खेमे में शोक की लहर है। वसंत राव चव्हाण की गिनती सीनियर लीडरों में होती थी। वह 2009 में पहली बार नायगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने ये चुनाव निर्दलीय लड़ा था। वह सितंबर 2014 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले वे लोक लेखा समिति में नियुक्त थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में नायगांव सीट से विजय हासिल हुई थी। वसंत चव्हाण नांदेड़ से लोकसभा इलेक्शन 2024 में 59,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रताप राव चिखलीकर को शिकस्त दी थी। नांदेड़ जिले के नायगांव में जन्मे वसंत चव्हाण लंबे समय तक ग्राम पंचायत सदस्य रहे और बाद में 1990 और 2002 में जिला परिषद सदस्य भी बने। वे 2021 से 2023 तक नांदेड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे। सूत्रों ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार कल 27 अगस्त सुबह 11 बजे उनके गांव नायगांव में किया जाएगा। अब्दुल रजाक की खास रिपोर्ट।